हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज के इस ट्यूटोरियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हो, आप सभी को निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि अब ये ई वे बिल के बारे में अब YouTube में सर्च करेंगे तो आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे आप देखेंगे किसी भी वीडियो में ई वे बिल के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको ई वे बिल के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। GST लॉ में ई वे बिल के बारे में जो कुछ भी है हम उसको पढ़ेंगे एंड उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं ई वे बिल होता क्या है। ई वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल होता क्या है। जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे वो हो सकता है रिलेशन टू सप्लाई, चाहे वो हो सकता है रिलेशन टू अदर देन सप्लाई, यानी कि आपने माल बेचा है या तो माल खरीदा है, उस गुड्स को दूसरे कहीं जगह से ले आ रहे हो या तो फिर भेज रहे हो, या तो फिर आप किसी दूसरे ब्रांच को भेज रहे हो, चाहे वो हो सकता है, ये गौर से सुनिएगा, चाहे वो ट्रांसफ़र हो सकता है विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट, वो ट्रांसफ़र हो सकता है आपके सेम स्टेट में और वो ट्रांसफ़र हो सकता है आपके आउटसाइड ऑफ स्टेट में। तो ट्रांसफ़र होने के समय क्या होता है, ट्रांजिट वे रास्ते पे क्या होता है, जो ऑफिसर होता है वो ट्रक को चेक करता है कि ये चीज़ क्या गुड्स है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये चीज़ है वे बिल। तो आपको ये वे बिल बनाना पड़ेगा एंड उस गुड्स के साथ, जो गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है उसके साथ उस वे बिल को भेजना है कि जहाँ भी रास्ते पे कोई ट्रक पकड़ेगा कोई ऑफिसर, तो उसको वो वे बिल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये वे बिल है क्या, कब करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छी तरह से सुनिएगा मेरा हर एक वर्ड को, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ अब सुनिएगा क्या चीज़ है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि हर एक वो रजिस्टर्ड बंदा जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है, यानी कि गुड्स का मूवमेंट का कारण, यानी कि कौन एक माल बेच रहा है, एक पर्सन गुड्स बेच रहा है, एक पर्सन गुड्स खरीद रहा है, तो उस गुड्स को क्या होगा, या तो फिर सप्लायर गुड्स को भेजेगा अपने ट्रक पे या हायर किया हुआ ट्रक पे, या तो फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो भी हो, या तो फिर सप्लायर भेजेगा, या तो फिर जो रेसिपियंट है गुड्स का, जो रेसिपियंट है वो अपने ट्रक से क्या करेगा, गुड्स को ले आएगा, या तो फिर ट्रक को हायर करके ले आएगा गुड्स को, या तो फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स को ले आएगा। तो जो भी है, जो हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो उस मूवमेंट का कॉज, जो उस मूवमेंट का कारण है, चाहे वो सप्लायर चाहे वो रेसिपियंट, जो उस गुड्स को लेके जाएगा या तो फिर गुड्स को भेजेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, और उस कंसाइनमेंट का वैल्यू होगा 50,000 के ऊपर, तो हर एक रजिस्टर्ड बंदा जो उस गुड्स का मूवमेंट का कारण है और उस कंसाइनमेंट का वैल्यू है 50,000 के ऊपर, तो उसको वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका तीन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इन रिलेशन टू ए सप्लाई, यानी कि वो जो ट्रांसफ़र है, वो जो गुड्स का ट्रांसफ़र है वो सप्लाई का रिलेशन है, तो वो सप्लाई का रिलेशन है, यानी कि क्या, एक रजिस्टर्ड बंदा दूसरे रजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है। तो एक तो हमने मान लिया गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर है। अब किस किस कंडीशन में होगा, दो पर्सन, जो बंदा सप्लायर है जो बंदा रेसिपिएंट, दोनों ही रजिस्टर्ड हो सकता है, और देखिए और दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, या तो फिर वो हो सकता है अदर देन सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है, तो क्या है, मान लीजिए मेरे ही किसी दूसरे गोडाउन पे या दूसरे ब्रांच पे माल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ,
या तो फिर माल वो गुड्स वो किसी जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है, तो या तो फिर गुड्स रिटर्न किसी पार्टी से रिटर्न लेके आ रहा हूँ, रिटर्न ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ हो गया अदर देन सप्लाई। तो रिलेशन टू सप्लाई कौन सा है, जो दोनों ही रजिस्टर्ड बंदा है और एक बंदा दूसरे बंदे को सेल कर रहा है। दूसरा नंबर क्या है, अदर देन सप्लाई, और सप्लाई नहीं है, गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई, यानी कि गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यहाँ पर क्या है, जो बंदा सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो बंदा रेसिपियंट है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तीन कंडीशन है। तो वे बिल का तीन कंडीशन है, एक क्या, जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है और जो रेसिपियंट है गुड्स का वो भी रजिस्टर्ड है और ये गुड्स सेल हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड बंदे से रजिस्टर्ड बंदे को, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है वो ट्रांसफ़र है, नॉट सप्लाई, अदर देन सप्लाई, वो गुड्स हो सकता है मैं किसी दूसरे ब्रांच पर भेज रहा हूँ, दूसरे कोई गोडाउन पे भेज रहा हूँ, चाहे वो विद इन स्टेट हो चाहे वो आउट ऑफ स्टेट हो, हर केस में, विद इन स्टेट आउट ऑफ स्टेट हर केस में, तो उस केस में। और तीसरा केस क्या है, एक अनरजिस्टर्ड बंदा किसी रजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहा है, एक अनरजिस्टर्ड बंदा किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहा है। इन तीनों की केस में से किसी भी एक केस हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू होगा, कंसाइनमेंट का वैल्यू होगा, गुड्स का वैल्यू क्या है, 50,000 के ऊपर। अब देखिए नीचे, सेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, सेल यानी कि वो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, यानी कि गुड्स मूवमेंट होने वाला है, माल निकलने वाला है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेड गुड्स, यानी कि उस गुड्स का, जो गुड्स ट्रांसफर होने वाला है उसके रिलेटिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करना पड़ेगा। कौन फर्निश करेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ये करेगा, चाहे वो सेल कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो करेगा, चाहे वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, गुड्स को, तो वो रजिस्टर्ड बंदा है वो कर सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उन दोनों में दोनों ही अगर रजिस्टर्ड हो तो कौन करेगा, जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है, जो गुड्स को भेज रहा है या लेके आ रहा है, या तो फिर सप्लायर अपने ट्रक पे, या तो हायर किया ट्रक पे, या तो फिर ट्रांसफर के थ्रू सप्लायर भेज रहा है, तो यहाँ पे है सप्लायर है कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर रेसिपियंट वो अपने ट्रक पे या तो हायर किया हुआ ट्रक पे या तो फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू रेसिपियंट माल को ले आ रहा है, तो यहाँ इस केस पे हो गया रेसिपियंट कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उस दोनों में से जो गुड्स का मूवमेंट का कॉज होगा और वो रजिस्टर्ड बंदा होगा तो वो उस गुड्स का एक इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा, कहाँ करेगा, इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST IN 01 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, यानी कि जीएसटी के जो कमन पोर्टल है उस कमन पोर्टल में यूज़र आईडी लॉग पासवर्ड देके लॉगिन होंगे, उस पे एक GST IN 01 बोल के एक फॉर्म है, उस फॉर्म का दो पार्ट है, एक पार्ट है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। तो GST IN 01 पार्ट ए भरेगा, कौन भरेगा, वो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो उस ट्रांसफर से रिलेटेड है और उस गुड्स का मूवमेंट का कारण है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान पे रखिएगा, तो आपने बोलेंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, तो दोनों रजिस्टर्ड है, दोनों का मूवमेंट का, जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है वो बंदा ये GST IN 01 फॉर्म पार्ट ए फिलअप करेगा। अगर ये हो कि कोई अनरजिस्टर्ड बंदा सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड बंदे को, ध्यान से सुनिएगा, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, अब इसकी फिलअप कौन करेगा, GST IN 01 पार्ट ए का फिलअप कौन करेगा, क्या बोले हैं, जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है और वो रजिस्टर्ड है,
तो मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है और वो गुड्स का मूवमेंट का कारण वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा? जी हाँ, इस केस में अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और गुड्स को सेल कर रहा है और उस गुड्स का मूवमेंट का कारण वो खुद ही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद के ट्रक से हो, हायर किया हुआ ट्रक से हो, ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो, वो माल को भेज रहा है, तो इस केस में तो उसको GST IN-01 Part A फिलअप करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में कौन फिलअप करेगा? वो रजिस्टर्ड बंदा जो माल रिसीव कर रहा है, जो रिसिपियंट है, वो ये GST IN-01 के पार्ट ए फिलअप करेगा और उसको ही माना जाएगा वो हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो रजिस्टर्ड बंदा, वो रेसिपिएंट कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब देखिए कहाँ पे? ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे। एंड मैंने इसके बाद भी और कुछ है, तो इस चीज़ को तो आपको समझ में आ गया है। तो GST IN-01 Part A कौन फिलअप करेगा? ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए क्या बोला है। व्हेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, व्हेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, जहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, किसी रजिस्टर्ड बंदे के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एज ए कंसाइनर, जो कंसाइनर है, जो सप्लायर है, और द रेसिपियंट ऑफ सप्लाई, या तो फिर सप्लाई का रेसिपियंट है एज द कंसाइनी, जो कंसाइने के थ्रू, या तो फिर वो सप्लायर है या तो फिर वो रेसिपियंट है, जो भी है वो रजिस्टर्ड है और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, वेदर इन हिज ओन कन्वेंस और ए हायर्ड वन, या तो हो सकता है उसका अपने ट्रक हो, अपने खुद का व्हीकल हो, या तो फिर वो हायर कर रहा है। The said person or the recipient, the said person means वो supplier or the recipient means वो recipient may generate the e-way bill in form GST INS 1 electronically on the common portal after furnishing information in part B of form GST INS 01। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले स्टेप पे हम लोग क्या देखा, GST INS 01 के पार्ट ए फिलअप हो चुका है। अब क्या फिलअप होगा? उसके बाद का प्रोसीड्योर क्या है? GST INS 01 के पार्ट बी। अब ये पार्ट बी कौन करेगा? ये पार्ट बी फिलअप करेगा कौन? तो वो बंदा जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे वो सप्लायर हो सकता है, चाहे वो रेसिपियंट हो सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, कोई भी मूवमेंट का कॉज हो, ठीक है, मूवमेंट का कारण कोई भी हो सकता है, और दोनों में से कोई भी ये पार्ट बी फिलअप कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो GST INS 01 Part A कौन फिलअप करेगा? जो रजिस्टर्ड बंदा है और जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है। पार्ट बी कौन करेगा? पार्ट बी जो दोनों रजिस्टर्ड बंदे में से कोई भी एक कर सकता है, चाहे वो सप्लायर चाहे वो रेसिपिएंट। ठीक है, और लास्ट में देखिए एक वर्ड लिखा है, हुआ है और, या तो फिर, ये पार्ट भी इन दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, या तो फिर और क्या है देख लेते हैं। और whether the e-way bill is not generated under clause A, जहां पर ये बिल जनरेटेड नहीं हुआ है अंडर क्लॉज ए, यानी कि ऊपर के पार्ट में, पार्ट बी GST INS 01 Part B, अगर या तो फिर सप्लायर या तो फिर रेसिपियंट दोनों में से कोई फिलअप नहीं किया है, तो क्या होगा? एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ए ट्रांसपोर्टर, एंड गुड्स को ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया है, तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST INS 01 ऑन द कॉमन पोर्टल एंड द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन द सेड पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST INS 01। अब देखिए, तो GST INS 01 के पार्ट ए दोनों या तो फिर सप्लायर या तो फिर रेसिपिएंट भर सकता है, जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है या जो रजिस्टर्ड है। और GST INS 01 Part B कौन भर सकता है? या तो फिर सप्लायर या तो फिर रेसिपिएंट, दोनों में से कोई भी भर सकता है। लेकिन मान लो दोनों में से कोई नहीं भरा है और उस गुड्स को
पार्ट ए तो भर चुका है लेकिन पार्ट बी तो नहीं भरा है और उस गुड्स को ट्रांसपोर्टर के पास भेज दिया है, तो क्या होगा? यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टर जो रजिस्टर्ड है वो ये जीएसटी आईएनएस 01 के पार्ट बी फिलअप कर सकता है। क्यों फिलअप कर सकता? क्योंकि इस जीएसटी आईएनएस 01 पार्ट बी में है कि किस व्हीकल के थ्रू किस ट्रक के नंबर, उस ट्रक का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, जो भी है ये सब डिटेल्स वगैरह एक्चुअली ट्रांसपोर्टर रिलेटेड होता है, तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर भी दे सकता है बिहाफ ऑफ सप्लायर और रेसिपियंट। ठीक है, पार्ट जीएसटी आईएनएस 01 के पार्ट ए फिलअप करेगा या तो फिर सप्लायर या तो फिर रेसिपियंट जो रजिस्टर्ड है, जो गुड्स का मूवमेंट का कारण है। अब पार्ट बी कौन फिलअप करेगा? या तो फिर सप्लायर या तो फिर रेसिपियंट अगर वो रजिस्टर्ड हो। अगर उन दोनों में से कोई नहीं किया तो कौन कर सकता है पार्ट बी को फिलअप? ट्रांसपोर्टर। पूरा क्लियर? ठीक है, तो ये है जीएसटी आईएनएस 01 के पार्ट ए पार्ट बी, कब फिलअप करना है, क्यों फिलअप करना है, उस कंसाइनमेंट का वैल्यू, गुड्स का वैल्यू 50,000 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन और एज द केस मे बी द ट्रांसपोर्टर मे एट हिज ऑप्शन जेनरेट एंड कैरी द ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000 रुपीज। तो क्या बोल रहा है, हम लोगों को ई वे बिल जेनरेट करना मैंडेटरी कब है? जब उस कंसाइनमेंट का, उस गुड्स का वैल्यू 50,000 के ऊपर है, तो वो मैंडेटरी आपको ई वे बिल करना ही पड़ेगा। कौन करेगा वो तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कौन करेगा? लेकिन अगर उस गुड्स का या उस कंसाइनमेंट का वैल्यू 50,000 के नीचे है तो ई वे बिल जनरेट करना आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चाहे तो वो ट्रांसपोर्टर ये ई वे बिल जनरेट कर सकता है। कौन कर सकता है? ट्रांसपोर्टर कर सकता है, वो अगर 50,000 के नीचे होगा तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द मूवमेंट इज कॉस्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आइदर इन हिज ओन कन्वीनियंस और ए हायर्ड वन और थ्रू ए ट्रांसपोर्टर ही और द ट्रांसपोर्टर मे एट देयर ऑप्शन जेनरेट द ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी आईएनएस 01 ऑन द कॉमन पोर्टल इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन दिस रूल। एक्सप्लेनेशन, क्या रूल है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रेसिपियंट हु इज रजिस्टर्ड द मूवमेंट शैल बी सेड टू बी कॉज्ड बाय सच रेसिपियंट इफ द रेसिपियंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये चीज आपको पहले ही बोल दिया है। क्या चीज? वही जब बोले थे, कोई अनरजिस्टर्ड बंदा किसी रजिस्टर्ड बंदे को गुड्स सेल कर रहा है, माल भेज रहा है, तो उस गुड्स का मूवमेंट का कॉज अगर ये अनरजिस्टर्ड बंदा है तो ये अनरजिस्टर्ड बंदा ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो कौन करेगा? वो रजिस्टर्ड बंदा जो रेसिपिएंट है वो करेगा, चाहे वो गुड्स का मूवमेंट का कारण ये अनरजिस्टर्ड बंदा हो, लेकिन लॉ के थ्रू माना जाएगा इस गुड्स का इस गुड्स का मूवमेंट का कॉज वो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल ए यूनिक ई वे बिल नंबर यानी कि EBN जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल नंबर EBN शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर द रेसिपियंट एंड द ट्रांसपोर्टर ऑन द कॉमन पोर्टल। तो मान लो एक गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है, जो रेसिपियंट है वो भी रजिस्टर्ड है और जो ट्रांसपोर्टर है वो भी रजिस्टर्ड है। तो एक ई वे बिल जनरेट होने के बाद उसका जो नंबर है वो नंबर कहाँ पे दिखेगा? तीनों के जीएसटी पोर्टल पे दिखेगा, सप्लायर के जीएसटी की पोर्टल के भी दिखेगा, रेसिपियंट के जीएसटी की पोर्टल पे भी दिखेगा और ट्रांसपोर्टर के भी जीएसटी के पोर्टल पे दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर इंटेंडेड
intended to be transported in one conveyance. The transporter shall indicate the serial number of bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal, and a consolidated e-way bill in form GSTIN-02 shall be generated by him on the common portal prior to the movement of goods. देखिए दोस्तों, ये एक वाइटल पॉइंट है. और ये देखिए, इसमें देखिए दूसरा फॉर्म के बारे में बोला गया है. क्या फॉर्म? GSTIN-02. तो अभी तक हम लोग देख रहे थे GSTIN-01 के पार्ट ए पार्ट बी, अभी आ गया है GSTIN-02. अब ये GSTIN-02 कौन फिलअप करेगा? ट्रांसपोर्टर. वो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर फिलअप करेगा GSTIN-02. कब फिलअप करेगा, किस केस में फिलअप करेगा? मान लो जब कोई एक कन्वेंस में, यानी कि ट्रांसपोर्टर होता क्या है, तो मान लीजिए किसी एक जगह पे एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू बहुत सारा ट्रांसपोर्ट आया है, बहुत सारा गुड्स आया है जो एक ही जगह पे जाने वाला है, या तो फिर एक ही रास्ते पे जाने वाला है, लेकिन उसका रेसिपिएंट अलग अलग है, दो तीन बंदा है. ठीक है, दो तीन बंदा है जो जिसको ये ट्रांसपोर्ट करना है. एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर एक या एक से अधिक कोई बंदे को, कोई रेसिपिएंट को, एक से अधिक किसी रेसिपिएंट को माल देंगे, तब क्या होगा, वो हर एक रेसिपिएंट या हर एक सप्लायर वो अलग अलग आप अपने अपने ट्रांजेक्शन के लिए एक एक वे बिल बनाया होगा. ठीक है, अब जब ट्रांसपोर्टर उन सब बंदे का एक साथ गुड्स को लेकर निकल रहा है, तब ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस हर एक वे बिल्स के नंबर को लेके एक अलग से ई वे बिल जनरेट करेगा अपने GST के पोर्टल पे. कहाँ पे? GST के पोर्टल पे. किस फॉर्म में? फॉर्म GSTIN-02, जिस पे ये फॉर्म GSTIN-02 पे, जिस पे वो एक हर एक ई वे बिल का नंबर इस कंसोलिडेटेड ई वे बिल पे रहेगा. ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो GSTIN-02 कब फिलअप होगा, कौन करेगा? कोई भी ट्रांसपोर्टर करेगा. कब फिलअप करेगा? जब एक ही कन्वेंस में, वन कन्वेंस में एक साथ बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बंदे का माल एक साथ लेके जा रहा है, और वो बहुत सारा बंदा क्या किया है, अपने अपने ट्रांजैक्शन के थ्रू एक एक ई वे बिल इशू किया है. ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, एक साथ जा रहा है, तो उस हर एक वे बिल का नंबर लेके एक अलग से कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाएगा अपने ऑनलाइन GST पोर्टल पे, जिसका फॉर्म है GSTIN-02. ठीक है, कब बनेगा वो? जब गुड्स को मूवमेंट होने वाला है, जब लेके जाएगा उससे पहले. ठीक है, ये है GSTIN-02. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन इंफॉर्मेशन हैज बीन फर्निश्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन फॉर्म GSTIN-01, ही शैल बी इन्फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली इफ द मोबाइल नंबर और द ईमेल इज अवेलेबल. अब देखिए जब कोई सप्लायर या तो फिर रेसिपिएंट जब कोई माल सेल कर रहा है या रिसीव कर रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है और ई वे बिल जनरेट हो रहा है, तब वो अनरजिस्टर्ड बंदा कैसे माल पर चलेगा इस वे बिल के बारे में, क्योंकि उसका तो रजिस्टर्ड नहीं है GST पोर्टल में, तो वो तो उसका तो ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, वो तो नहीं देख पाएगा. तो कैसे देखेगा? तो उसका अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उस ई वे बिल में दिया हुआ है, तो वो मोबाइल नंबर के थ्रू या तो फिर ईमेल के थ्रू उसका डिटेल्स उस अनरजिस्टर्ड बंदे तक पहुंच जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वायर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर दिस रूल बट गुड्स आर आइदर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन द वे बिल, द ई वे बिल मे बी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल. क्या बोला है? आपका ई वे बिल जनरेट हो गया, लेकिन किसी कारण उस वे बिल को कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे? जिस डेट पे, जिस टाइम पे वो वे बिल जनरेट हुआ है, उस टाइम से 24 आवर्स के अंदर आपको वो वे बिल कैंसिल करना है. कैसे कैंसिल करना है? या तो फिर आइदर डायरेक्टली, या तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर थ्रू ए फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर. कमिश्नर के थ्रू नोटिफाइड होगा किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर, उस सेंटर के थ्रू आपका वो वे बिल कैंसिल हो सकता है 24 आवर्स के अंदर. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट पॉइंट है एन ई वे बिल और ए कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड एज मेंशनड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो फ्रॉम द रिलेवेंट डेट फॉर द डिस्टेंस द गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड एज मेंशनड इन कॉलम. अब देखो, अब वो हर एक वे बिल का, चाहे वो एक वे बिल हो चाहे वो एक कंसोलिडेटेड वे बिल हो, ठीक है, उस हर एक वे बिल का एक वैलिडिटी है. अब वो वैलिडिटी किस हिसाब से रहेगा, तो चलिए आगे एक टेबल है, उस टेबल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे रहेगा. देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, लेस देन 100 किलोमीटर. अगर वो ट्रांसफ़र 100 किलोमीटर के अंदर हो रहा है तो उस वे बिल का वैलिड है 1 डे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 100 किलोमीटर्स और मोर बट लेस देन 300 किलोमीटर. उस ट्रांसफ़र का डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर या तो फिर उसके ज़्यादा है बट लेस देन 300 किलोमीटर बट 300 किलोमीटर्स के कम है तो उसका वैलिडिटी है 3 डेज, ठीक है. अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है 300 किलोमीटर्स और मोर बट लेस देन 500 किलोमीटर्स तो उसका वैलिडिटी है 5 डेज, ठीक है. अगर कोई ट्रांसफ़र 500 किलोमीटर और मोर बट लेस देन 1000 किलोमीटर हो रहा है तो उसका वैलिडिटी है 10 डेज. अगर कोई ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर और मोर हो रहा है तो उसका वैलिडिटी 15 डेज पे है, ठीक है, उसका वैलिडिटी पीरियड ये है. लेकिन नीचे देखिए एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स मे बी स्पेसिफाइड देयर इन. तो ये वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकता है किसके थ्रू, किसी कमिश्नर के थ्रू जो नोटिफाई किया गया है. क्या नोटिफाई किया गया है, फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स के कैटेगरी है उस कैटेगरीज के थ्रू स्पेसिफाई है जो कमिश्नर ये डिसाइड करेगा कि वो वैलिडिटी एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है ए समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST INS 03 विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड द फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST INS 03 शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 3 डेज ऑफ द इंस्पेक्शन. देखिए इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, पहले हम लोग देख चुके हैं क्या GST INS 01 जिसके दो पार्ट थे, पार्ट ए पार्ट बी. नेक्स्ट क्या था, GST INS 02. अब आ चुका है क्या, GST INS 03, इसका भी पार्ट ए है पार्ट बी है. अब देखिए पार्ट ए कौन फिलअप करेगा, पार्ट बी कौन फिलअप करेगा, दोनों केस में वो प्रॉपर ऑफिसर फिलअप करेगा. कौन प्रॉपर ऑफिसर, जो गुड्स को इंस्पेक्शन कर रहा है ट्रांजिट पे. तो जो ऑफिसर ट्रांजिट पे उस गुड्स का इंस्पेक्शन कर रहा है उसका एक रिपोर्ट ऑनलाइन देना है, ऑनलाइन पोर्टल पे देना है. ऑनलाइन पोर्टल पे कहाँ, GST INS 03 के पार्ट ए पे देना है. कब देना है, विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, जब वो इंस्पेक्शन हो रहा है उसके 24 घंटे के अंदर उस ऑफिसर को GST INS 03 के पार्ट ए में ये इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है. एंड द फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST INS 03 शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 3 डेज ऑफ द इंस्पेक्शन. एंड उसका एक फाइनल रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, कहाँ पे, GST INS 03 के पार्ट बी में देना पड़ेगा. कब देना होगा, विद इन 3 डेज. तो जब वो इंस्पेक्शन हुआ उसके 3 दिन के अंदर उसका फाइनल रिपोर्ट GST INS 03 के पार्ट बी में देना पड़ेगा. ये कौन देगा, वो प्रॉपर ऑफिसर देगा जो गुड्स का इंस्पेक्शन कर रहा है, कहाँ पे, ट्रांजिट पे, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेयर ए व्हीकल हैज़ बीन इंटरसेप्टेड
intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes. The transporter may upload the said information in form GSTINS-04 on the common portal. देखिए दोस्तों यहाँ पे और एक फॉर्म आ गया क्या GSTINS-04 एंड ये कौन फिलअप करेगा? ट्रांसपोर्टर फिलअप करेगा. कब फिलअप करेगा? जब उनका व्हीकल ट्रांजिट पे, जब उनका व्हीकल रास्ते पे अटक किया गया है, रोका गया है और उसका टाइम लिया है 30 मिनट्स से ऊपर, तो उसका एक इंफॉर्मेशन वो ट्रांसपोर्टर GSTINS-04 में दे सकता है. ठीक है, ये एक नया और एक पॉइंट है. देखिए दोस्तों, ये जो एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक हर एक चीज़ आपको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो हर वीडियो में नहीं होगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हुआ हूँ ताकि आपको ई वे बिल के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए. ठीक है, तो एक एक पॉइंट इसलिए आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो सुनिए. जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा फिर वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके इसको सुनिए, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है, यहाँ पे ख़त्म. ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है एंड बहुत फ़ायदा भी दिया है, क्योंकि ई वे बिल का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ. इस वीडियो के बहुत लाइक कीजिए एंड शेयर तो बहुत कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए, ताकि वो हर एक बिजनेसमैन, हर एक ट्रांसपोर्टर, हर एक अकाउंटेंट, हर एक स्टूडेंट को ये वे बिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब उस फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका कोई दिक्कत ना हो. इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए. और अगर आपने मेरा इस चैनल को, फ्री नॉलेज गेन को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह एक एक नए नए वीडियो आप डालते जाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा. तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो मेरा हर एक नया वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा. तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.